बच्चों अब बात करते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं ये क्या होती हैं। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया ये क्या होती है। ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ एक ही समय पर घटित होते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं ऑक्सीकारक तथा अपचारक के बारे में। किसी अभिक्रिया में पदार्थों के ऑक्सीकृत या अपचयित होने की प्रकृति के आधार पर पदार्थों को दो भागों ऑक्सीकारक तथा अपचारक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑक्सीकारक ये क्या होते हैं। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। उपचायक वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं अपचायक कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन पर प्रभाव। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जो होती हैं वो हमारे दैनिक जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं, तो ये मुख्यतः दो प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। पहला है आपका संक्षारण। ये क्या होता है। वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना आदि। सेकंड आपका विकृत गंधिता। ये क्या होता है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे पनीर खुला रखने पर विकृत गंध देने लगता है मुख्यतः गर्मियों में।